हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत सारी फुल फॉर्म्स ओके okay? जो पेपर वन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेट पेपर वन के लिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्यों है क्योंकि आपको पता ही होगा एक या दो फुल फॉर्म जो है आपके पेपर में नेट पेपर वन में पूछी ही जाती हैं तो ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो हम स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म्स को और अगर आप लोगों ने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वीडियोस डालती हूँ पी कॉमर्स के लिए भी और नेट कॉमर्स के लिए और पेपर वन के लिए ठीक है तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन फुल फॉर्म्स को ओके सो देखिए सबसे पहले ए आई सी टी ई देखो ये वाले हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के और इनकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती है तो आपने अपनी तरफ से कुछ भी स्किप नहीं करना है हमेशा अपना बेस्ट देना है डू योर बेस्ट ओके ए आई सी टी ई का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए एक एक लेटर का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि कई बार चारों ऑप्शन में एक एक लेटर के आपका जो फुल फॉर्म है वो गलत दे दिया जाता है ना तो आपको बिल्कुल हर, हर चीज़ का जब पता होगा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे ए का है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एन इसका है फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग ओके सी ई सी इसका फुल फॉर्म है Consortium फॉर एजुकेशनल कॉम्युनिकेशन उसके बाद है एन सी ई आर टी एन सी ई आर टी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एन आई ओ एस एन आई ओ एस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी उसके बाद है एन आई ट्रिपल टी आर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च तो ये आपको जो फुल फॉर्म्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये साथ के साथ ज़रूर करनी है और देखिए फुल फॉर्म आई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है देखिए डब्ल्यू वाई एस आई डब्ल्यू वाई जी इसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट ये आपका पता ही होगा आपको मॉनिटर से रिलेटेड है प्रिंटर से ओके okay, यानी कि जो आपने जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वही आपको एक्चुअली में प्रिंट आउट उसका मिलेगा उसके बाद है पी ये तो हम बहुत टर्म यूज करते हैं पी डी एफ पी डी एफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट उसके बाद है बी आई ओ एस इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये अभी आपकी पूछी भी गई है ये वाली ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल देखो आर ओ एम की तो आपको ईजिली पता है रीड ओनली मेमोरी ई पी के क्या है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कॉर्डेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बाइनरी कॉर्डेड डेसिमल इंटरचेंज कोड उसके बाद है आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जी आई जी ओ गारबेज इन गारबेज आउट यानी कि जैसा आप इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा अगर आपने गलत इनपुट डाला है तो गलत ही आउटपुट आएगा तो ये फुल फॉर्म्स आपने बार बार ज़रूर करनी है अच्छे से उसके बाद देखिए बेसिक बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर ओल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बिगिनर ओल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड उसके बाद है सी डबल एस कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स ओके कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स ए क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए का मीनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो ये वाले डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारी टी बी का है टेरा पी बी पी बी का है पीटा बाइट जेड बी जिटा बाइट एंड वाई बी योटाबाइट ओके उसके बाद हम बात करते हैं ए एम डी की ए एम डी का फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइजेस ए एम डी का क्या फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइजेस कुछ फुल फॉर्म्स ऐसी होंगे जो आपने सुन रखी हैं कुछ ऐसी हैं जो नहीं सुनी है तो आपको जिनके बारे में नहीं पता है साथ के साथ अपने पेपर वन के नोट्स में ऐड कीजिए ठीक है नेक्स्ट है ए पी आई ए पी आई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ए टी ए ये वाली फुल फॉर्म जो फर्स्ट टू है ये हो सकता है आपने कम सुनी हो बट आपको पता होना चाहिए ए टी ए का एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट सी डी रोम सी डी रोम का सी डी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क आर ओ एम रीड ओनली मेमरी ठीक है उसके बाद है सी डी आर डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल ठीक है सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क आर डब्ल्यू री राइटेबल कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर किसका है सी एम ओ एस का सी एम ओ एस आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है सी एम ओ एस में सी का क्या है सी का है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कंडक्टर डी पी आई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच ओके डी पी आई स्टैंडस फॉर डॉट्स पर इंच डी वी डी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ओके डी वी डी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क उसके बाद है डी देखो डी का आप लोगों को पता ही है क्या फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ओके डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आर से है यहाँ पे रिकॉर्डेबल आप लोग ये देखिए आपको देखो कुछ पार्ट कई बार पता होता है तो आप कॉमन सेंस भी अपना यूज कर सकते हो ओके okay? डी वाला भी अब आपकी जो शिफ्ट चल रही है उनमें पूछा गया है बी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी मैंने आपको कोऑर्डिनेटर्स बताए स्वयं के उनसे रिलेटेड भी फुल फॉर्म पूछा हुआ है तो आपने बिल्कुल अपना अपडेट रहना है अच्छे से तैयारी करनी है साथ के साथ उसके बाद आता है हमारा डी वी आई डी वी आई का फुल फॉर्म क्या है डिजिटल विजुअल इंटरफेस ओके डी वी आई का फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस उसके बाद है ई एम आई ई एम आई का है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेयरेंस ई एम आई का वो वाला ई एम आई नहीं है जो इंस्टॉलमेंट्स वाला होता है ये हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आई सी टी के रिगार्डिंग इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंटरफेयरेंस उसके बाद है एफ ए टी एफ ए टी का फुल फॉर्म क्या है रहता है फाइल एलोकेशन टेबल एफ ए टी का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल उसके बाद है एफ टी पी एफ टी पी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट टाइप के वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है उनका जो बेसिक फंक्शनिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद है सी ए डी सी ए डी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सी ए डी का क्या फुल फॉर्म है हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन ओके तो अब इससे ना सी ए डी से रिलेटेड एक टर्म है सी ए ई सी ए डी से एक रिलेटेड टर्म है सी ए ई सी ए का हमारे पास क्या फुल फॉर्म रहता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सी ए ई का क्या फुल फॉर्म है ओके okay. अब हम आगे करते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास आई एम ए पी आई एम ए पी का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जे एस का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ओके जे एस जावा स्क्रिप्ट एल सी डी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल ई डी का है लाइट एमिटिंग डायोड लाइट एमिटिंग डायोड एम पी ई जी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप उसके बाद है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये किसका है पी ओ पी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ओके तो ये जो थे कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे अभी ये हमारा पार्ट वन था आने वाले टाइम में और पार्ट्स डिस्कस करूँगी पेपर वन के लिए और वीडियोज़ भी होंगी जिनका पेपर टू कॉमर्स है उनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट एम डिस्कस किए हैं इन डिटेल ठीक है तो आपको बस अपने प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखना है हमेशा अपना बेस्ट देना है और जो लोग पी कॉमर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आप लोगों का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ठीक है और क्वेश्चंस का लेवल दोनों का ही हाई आता है तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है बहुत अच्छे से करनी है बाकी आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स जो है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो ओके तो आपने क्या करना है डेली बेसिस पर ज़रूर प्रैक्टिस करनी है जो अभी एग्जाम दे रहे हैं ठीक है और अब जो आगे फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं तो आपने अभी साथ के साथ ही अपनी तैयारी कॉन्टिन्यू रखनी है बिल्कुल अच्छे से डेली अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए कुछ भी आपको जो नई चीज़ पता चलती है उसके साथ के साथ नोट कीजिए पेपर वन के जितनी भी यूनिट्स हैं आपकी ठीक है सबकी अलग अलग यूनिट्स डिवाइड करके उनके नोट्स बनाइए साथ के साथ और जैसे ही आप प्रॉपर अगर तैयारी शुरू से ही करके चलते हैं ना तो बहुत इजीली आपका जो है नेट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा लेकिन ज़रूरत यह है कि आपको टाइम डिवॉइड करना है प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है और फिर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अगर ये सब कुछ हो जाता है आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और हमेशा अपने आप पर अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखना है हमेशा अपना बेस्ट देना है दूसरों से कंपेरिजन अपना नहीं करना है ठीक है हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है तो आपने हमेशा यही करना है अपना ही बेस्ट देना है ओके थैंक यू सो मच की सकते हो वहां पर मैं आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूं ठीक है मेरी जितने भी क्लासेस है वो एकदम फ्री हैं आप वहां पर अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं छह बजे की टाइमिंग रहती है वहां पर मेरी ठीक है या तो पेपर वन की क्लास होती है या फिर कॉमर्स से रिलेटेड क्लास होती है बाकी मैं आपको कम्युनिटी टैब में बता ही देती हूँ कि कब भी क्लास होती है ओके तो विभू तनेजा के नेम से आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगी क्लासेस ओके थैंक यू सो मच